हाय गाइस, क्या हाल है। आज की वीडियो हमारी आईफोन 11 के ऊपर, इसके ऊपर सेल चली हुई है और ये 38,000 के आसपास बड़े आराम से मिल जा रहा है, काफी सही प्राइस में मिल रहा है। तो आपस में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसे लेना चाहिए अभी या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आईफोन 13 लेटेस्ट चला हुआ है। पर थोड़ा टाइम बाद आपको पता है कि आईफोन 14 भी आ जाएगा, तो ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले इस फोन की लुक और डिजाइन के बारे में बात करें तो आपको पता है देखने में तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है और आपको कलर्स ऑप्शन बहुत सारी मिल जाती है, और मुझे पर्सनली आईफोन 11 में ये वाला कलर सबसे अच्छा लगता है। और इस फोन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, इसका जो डिजाइन देके रखा है, इसमें राउंड कॉर्नर्स देके रखे हैं, तो हाथ में ग्रिप काफी अच्छी बनती है और कंफर्ट सा फील आता है। और ये जो हमारे आईफोन 12 आईफोन 13 है, यहाँ पर थोड़ा बॉक्सी जैसा डिजाइन देके रखा है, तो हाथ में पकड़ने का उतना कंफर्ट नहीं मिलता है, मतलब आईफोन 11 जितना। तो इस मामले में आईफोन 11 थोड़ा सा बेटर है, ये एक अच्छी बात थी जो कि कोई भी हाथ में पकड़ते ही बता देगा। इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, फ्रंट और बैक तो ग्लास के केस वगैरह तो आपको यूज करना पड़ेगा, पर ये डस्ट प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। मैंने वाटर टेस्ट भी किया है, इसका पानी के अंदर लेके गया था एक बार, नहीं मैं इसे बहुत बार पानी के अंदर लेके गया हूं, अच्छे से एक बार करते उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहता हूं, जब आप पानी के अंदर लेके जाते हो अगर पानी साफ नहीं है, इसके जो स्पीकर है और जो माइक है वहां पर थोड़ा बहुत डस्ट चली जाती है, तो अच्छे से काम नहीं करते, तो आपने इस बात का ध्यान रखना अगर पानी के अंदर लेके जा रहे हो। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, लेके जा रहे हो तो साफ पानी के अंदर लेके जाना, वरना आपको केयर सेंटर लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद वो खोलेंगे, स्पीकर साफ करेंगे, माइक साफ करेंगे, फिर जाके नई वाली फीलिंग आएगी आपको इसके स्पीकर और माइक की। तो ऐसा ही सीन मेरे इस आईफोन के साथ में हुआ, तो जो मैंने वाटर टेस्ट वीडियो बनाई थी बहुत पहले, उसके बाद में मैं इसको पानी में लेके गया था, तो पानी साफ नहीं था, तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूं। और मैं फिर से कहूंगा यार, देखने मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है ये फोन। यहां पर ये 13 प्रो है, इसके ऊपर स्किन लगी हुई है, बिना स्किन के ये कुछ ऐसा लगता है, पर फिर भी जो आईफोन 11 दिखता है ना वो बहुत ही प्यारा लगता है। और इस फोन में ये जो नॉच देके रखे है ये भी काफी बड़ी है, आईफोन 13 में हमारी थोड़ी सी छोटी हो जाती है, तो ये भी आपने देख लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन पे आ रहे हो तो थोड़ा हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में बुरा लगे, पर फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जब ये फोन लॉन्च हुआ था मैंने उस टाइम लिया है ये, और ये देखो आप अभी तक भी बिल्कुल नई वाली कंडीशन में है, इतने साल हो चुके हैं इसे, एक भी स्क्रैच इसके ऊपर नहीं आया है, किसी भी एंगल से आप देख लो वैसा का वैसा ही है। बस मैंने बताया कि इतने टाइम बाद स्पीकर्स में दिक्कत आई थी, वो भी मेरी गलती थी उस वजह से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फोन जो है वो अच्छी लाइफ देने वाला है, काफी ड्यूरेबल है, अगर आप इसकी केयर करोगे तो ये आपकी केयर करेगा, खराब नहीं होने वाला है। और हाँ, इस फोन में ड्यूल कैमरा के साथ में ड्यूल सिम की ऑप्शन भी मिल जाती है, मतलब एक आपकी फिजिकल सिम होगी, दूसरी आपको ई सिम रजिस्टर करना पड़ेगी, मतलब दो सिम आपकी चल पड़ेगी आराम से। आपको स्पीकर्स की क्वालिटी भी सुना देता हूँ, इतने साल बाद कैसी आवाज ये दे रहे हैं। मतलब स्पीकर्स का कुछ ऐसा है कि आपको 3 साल बाद हो सकता है कि ये साफ करवाना पड़ जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस फोन में। और इसके बाद अब बात करते हैं इसके कैमरा की, फिर उसके बाद डिस्प्ले की बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है इसमें ड्यूल कैमरा देके रखे है, एक हमारा वाइड है और दूसरा हमारा अल्ट्रा वाइड है, दोनों 12-12 मेगापिक्सल के है। तो आपको पहले तो कुछ फोटोज के सैंपल दिखा देता हूं, तो ये रहे कुछ फोटोज के सैंपल। इसके पोर्ट्रेट मोड भी मुझे ठीक लगता है, और यहाँ पर आप ये वाला फोटो देखो, अल्ट्रा वाइड भी ठीक है, पर लो लाइट में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो थोड़ी सी नॉइस आती है कॉर्नर्स में, और बिल्कुल लो लाइट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लो लाइट में आप देख लो स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसी परफॉर्मेंस ये दे देता है। अगर आप इसका 30 सेकंड वाला मोड यूज करते हो, अगर आप ट्राइपॉड पे रख के फोटो क्लिक करते हो, तो ये सबसे बेस्ट आउटपुट देता है। आप स्टार्स वगैरह का भी फोटो क्लिक कर सकते हो रात में। तो इस रेंज के जो स्मार्टफोन आते हैं ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कैमरा इसका ठीक है फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए। और इसके वीडियो क्वालिटी की बात करो तो वीडियो क्वालिटी में स्टेबलाइजेशन आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, और अल्ट्रा वाइड में अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करोगे तो वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। और मेन जो इसका वाइड लेंस है उसमें वीडियो काफी अच्छी बनती है, डे लाइट में भी लो लाइट में भी ठीक परफॉर्मेंस दे देता है। और अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ब्लॉग्स बनाना चाहते हो, तो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, आपको इस बजट में मिल रहा है। अगर आप थोड़ी अच्छी बेटर परफॉर्मेंस चाहते हो लो लाइट में भी, तो आईफोन 12 मिनी ले लेना, थोड़ी बेटर ऑप्शन है ब्लॉगिंग के लिए, अगर आप वीडियो वगैरह बनाना चाहते हो तो। और इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करूं तो कुछ इस तरह के आउटपुट ये दे देता है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगा पर काम चल पड़ता है। और अब बात करता हूं इस फोन के डिस्प्ले की। अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको ल्यूकर्ड रेटिना 6.1 इंच की एलसीडी डिस्प्ले मिलती है। और डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करूं तो अगर डे लाइट में भी आप चला रहे हो तो इजीली विजिबल हो जाती है। यहां पर स्टूडियो की मैंने पूरी लाइट्स दे के रखी है, तब भी दिखाई देता है क्लियर। अगर गाइस मैं इसकी डिस्प्ले को लेकर सच बात बोलूं तो इसकी जो डिस्प्ले है, तो इस रेंज में आपको इससे बेटर बहुत
ज्यादा बेटर डिस्प्ले मिल जाती है, एमोलेड डिस्प्ले आराम से मिल जाती है। तो इसकी डिस्प्ले जो है, अगर आप कोई ऑलरेडी अच्छा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो अच्छी डिस्प्ले वाला, तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसकी डिस्प्ले उतनी अच्छी नहीं है। कहने को तो कह देते हैं बहुत सारे क्रिएटर की आईफोन की है, ठीक है चल पड़ती है, पर सच बात तो ये है कि उतनी भी अच्छी नहीं है। एक टाइम था जब मैंने भी ये नया लिया था, तो मैंने भी यही कहा था कि ठीक है इसकी डिस्प्ले चल पड़ती है, पर आज के टाइम पे देखा जाए तो 15-20 हज़ार में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जा रही है और बहुत अच्छी कलर क्वालिटी देती है, और उसके डिस्प्ले में मतलब कंटेंट देखने का मजा आता है। तो इसकी डिस्प्ले मतलब चल पड़ेगी पर उतनी अच्छी नहीं है। पर हाँ एक बात है कि स्मूथनेस काफी अच्छी है, इजीली आप इसे जहां भी टच करोगे रिस्पॉन्स करती है, बहुत ही एक्यूरेट चलती है। अगर आप गेमिंग भी करोगे तो इजीली आप कर पाओगे, ये बहुत अच्छी बात है आईफोन में। और एप्पल का जो अपना ओएस है ना, उसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो एप्स वगैरह बहुत इजीली स्मूथली ओपन होती है और काफी अच्छा एक यूजर एक्सपीरियंस देती है। तो आईफोन 11 में भी आपको ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, अगर आपने इससे पहले कोई ऐसा एंड्रॉइड फोन यूज किया है जिसमें 120 हर्ट्ज़ हो या फिर 90 हर्ट्ज़ वाली डिस्प्ले हो, तो आपको इसकी डिस्प्ले हो सकता है कि उतनी ज्यादा स्मूथ ना लगे, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे मैं आईफोन 13 प्रो यूज करता हूं तो इसके 120 हर्ट्ज़ पर वर्क करती है, तो जब मैं इसे यूज करता हूं तो मुझे अब थोड़ा अजीब जैसा लगता है। जब मैंने यूज नहीं की थी 120 हर्ट्ज़ आईफोन वाली, तो मेरे लिए ये नॉर्मल था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इस बी रोल में इसकी डिस्प्ले क्वालिटी देख लो। देखो ये सारी बातें होगी, अब करते हैं बात बैटरी की। अगर मैं आपको इसकी बैटरी दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो 85% है। तो 85% पर अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो ये 6-7 आवर निकाल के देता है अगर मैं इसकी सारी सेटिंग्स ऑन रखता हूं। अगर मुझे इसकी अच्छी बैटरी चाहिए तो मुझे इसकी बहुत सारी सेटिंग्स बंद करना पड़ती है, जैसे लोकेशन सर्विसेज होगी, फाइंड माई बंद करना पड़ता है और भी बहुत सारी सेटिंग्स बंद करना पड़ती है, तब जाके ये पूरा दिन निकाल के देता है। पर आप देख सकते हो कि कितना टाइम हो चुका है जब लॉन्च हुआ था उसके बाद का। तो अगर आप नया ले रहे हो तो 1 साल तक तो बैटरी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे आप यूज करते जाओगे तो बैटरी हेल्थ ड्रेन होती है। तो उसके लिए एक बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने आईफोन की 100% बैटरी हेल्थ मेंटेन कर सकते हो। तो इसको काफी टाइम हो चुका है लिए हुए, अभी तक 100% बैटरी हेल्थ है, तो वो ही मैं टिप्स बताऊंगा कि कैसे मैंने मेंटेन करके रखी है और आप भी रख सकते हो। तो अभी आपको इसकी बैटरी का तो पता चल चुका होगा, 1 दिन तो बड़े आराम से निकाल के दे देगी अगर आप नया ले रहे हो और 85% बैटरी हेल्थ है, या सेकंड हैंड ले रहे हो तो देख लेना 5-6 आवर निकाल के देती है। अगर आप गेमिंग करोगे तो और भी कम हो जाती है। और हाँ बैटरी में ना बाकी आपके यूज करने पर डिपेंड करता है, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि कमेंट्स आते हैं फिर वो कहते हैं कि मेरा इतना निकालता है, तो वो आपके यूज पर भी डिपेंड करता है। और अब लास्ट में बात करते हैं, एक कंक्लूजन निकालता हूं कि आपको इसमें क्या अच्छा मिलता है और क्या बुरा मिलता है। देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, कैमरा आपको इसमें अच्छा मिलता है, डिस्प्ले जो है वो उतनी अच्छी नहीं मिलती क्वालिटी के मामले में, और बैटरी भी इसकी ठीक है, 1 दिन निकाल के दे देता है अगर आप नया ले रहे हो। और इसमें जो कमी है वो 5G नहीं है, पर तुम्हें पता ही है 5G को लेकर अभी बहुत टाइम लगने वाला है और बाकी वाईफाई वगैरह से काम चल पड़ेगा। और उसके बाद में जो मेन पॉइंट आता है वो है कि जैसे आईफोन 14 आ जाएगा तो ये बेचारा डिस्कंटिन्यू हो जाएगा, एप्पल इसे डिस्कंटिन्यू कर देगा, तो इसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी उसके बाद में। पर देखा जाए तो हमें काफी सही प्राइस पर मिल रहा है इस सेल के दौरान, और बाकी इसके बाद में जो बिग बिलियन डे सेल आएगी तब स्टॉक वगैरह खत्म करने के लिए और भी कम प्राइस में ये मिलेगा आराम से। और मुझे बताना आप में से कौन लोग आईफोन 11 लेने के सोच रहे हैं या फिर आईफोन 11 लेने वाले, प्लीज जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ रिकमेंडेड वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आईफोन के रिलेटेड, उन्हें आप चेकआउट कर लेना, हिडन फीचर वगैरह की। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।